साथियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी महिलाओं इस स्वतंत्रता दिवस का शोक यहाँ पर सभी सखियों ने मिलकर राष्ट्रगान गाया, देशभक्ति गीत गाए और इसी क्रम में हम सभी ने देशभक्ति से बहुत को एक झंडी के नाम कुछ सखियाँ विजेता चैंपियंस के नाम में आई हुई है। इसी क्रम में अगर वो आमंत्रित करते हैं अपनी गिफ्ट जीता है सबसे पहले तो सभी सखियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असली में स्वतंत्रता तभी होगी जब घर की बहू बेटियों को समान अधिकार मिलेगा, बहू के साथ कुछ बेटियों के साथ कुछ। और आजकल तो ऐसी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं कि सब ट्रेनों में देखिए, अभी आजकल कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ हुआ, वो डेली पेपर में आ रहा है, इतना अमानवीय कृत्य हुआ है उसके साथ। डॉक्टरों ने उसके लिए बहुत नारे भी लगाए हैं और आजकल ऐसा चल रहा है कि आप लोग सबको जागरूक होना है। ये सब एक किसी के उससे आगे बढ़ने से नहीं होगा, ये अगर सभी नानियां सभी देशवासी मिलकर ही इसके लिए करें और देश में ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाए तो ये रुक सकता है। और सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहू और बेटी के लिए समान नहीं हुई है तब तक कुछ नहीं होगा। और जो घटनाएं हम सभी के सामने घटित हो रही है उन सभी को रोकने के लिए कड़े कदम हम सभी को उठाने पड़ेंगे, तभी वास्तविकता में हमारी स्वतंत्रता होगी। आज इस हमारा देश आजाद जरूर हो गया है लेकिन बहुत से घरों में अभी भी बहु बेटियों के साथ और परिवार के लोग ही उनके साथ में गंदा व्यवहार करते हैं। ये सब बंद होना चाहिए और हमारे को अगर हम आसपास देख ही रहे हैं किसी को गलत निगाह से या गलत करते हुए तो हमको भी आगे बढ़कर चार लोगों को और साथ में लेकर उनको रोकना चाहिए। इस संस्था से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी सारी बहनों से मिलना हुआ और ये लगा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने आज मना लिया, ये हमारे लिए हर दिन हर पल ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे। और सबसे बड़ी बात कि स्वतंत्रता का मतलब है हमें अपने विचारों से स्वतंत्र होना, हमें अपने विचारों से आज़ाद होना, वही मानसिकता औरतों को दबा के रखना, उनको किसी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ने देना,
ये सब नहीं, हमारी संस्था इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा कि अभी पहले हमारे बहनों ने कहा है कि बहुत अत्याचार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही है, तो हमारी संस्था इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। गुड टच बैड टच जो है, हम स्कूलों में जाके जगह जगह वर्कशॉप चला के और छोटी छोटी बच्चियों को जब हम इससे उनको समझाएंगे, उनको बच्चों को समझ में आएगा तो आगे जाके इन सब चीज़ों में कमी आएगी। हम आपका मन देखें कि आप पहल करें, आपका मन देखें कि पहल करें, हमें खुद पहल करना होगी और उसके लिए हमें अपनी बच्चों को शिक्षित करना होगा, उन्हें गलत सही का बताना होगा। और मुझे लगता है एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी किसी महिला की होती है, और यदि माँ या महिला ये समझ ले कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, ये देश निश्चित रूप से प्रभावित। तो ये मेरी बहनों से एक निवेदन है कि वो हर घर में ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है देश को सुधारने की, तो ये देश जरूर माता की जय। आज इसी क्रम में शालिनी साहू जी को विशेष क्रिएटिविटी वृक्षारोपण के आधार पर परिश्रमों को सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू। शालिनी जी कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आकर और ये गिफ्ट प्राप्त करके? मैम इसकी तो कोई मतलब कल्पना ही मैंने लिखी थी कि मुझे मिल पाएगा, क्योंकि ये तो बस ये मैं कर ही रही थी कि और भी सब मेरे साथ में इस मुहिम में जुड़े और आप लोगों ने इतना कॉपरेट किया तो मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ आप लोगों के हाथ रखे। थैंक यू सो मच।